हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल स्टे टेक इन, जहां मैं बताता हूं लेटेस्ट टेक न्यूज और न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में। विषम पकचोरी, तो आज पिलेंगे हम नई पकचोरी। और आज के हमारा टॉपिक होने वाला है सैमसंग M31s। तो ये कैसे स्मार्टफोन है, क्या इसे कंसीडर कर सकते हैं लेने के लिए, और कब अवेलेबल होगा, कितने का प्राइस है, और क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, सब हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को देखना अंत तक, क्योंकि अगर कोई अपने पॉइंट मिस करते हैं तो हो सकता है कि आपके लाइक वो पॉइंट हो और आपको चाहिए हो, वो नेसेसरी हो आपके लिए वो पॉइंट, और आप वो मिस ना कर दे। इसे पूरी वीडियो देखना बड़े ध्यान से, ठीक है। वीडियो काम शुरू करते हैं, चलो इंटर का चल। M31s की 2 रिसेंटली लॉन्च हुआ है और बात करते हैं इसकी चली प्रवर्स स्पेसिफिकेशन के ऊपर। सो जो इसके अंदर हमें मिलती है सबसे पहले 6.5 इंच की स्क्रीन जिसके ऊपर सबसे पहले सबकी नजर जाएगी वो क्योंकि फुल एमोलेड डिस्प्ले हमें मिलने वाली है जीक्यू के साथ और बात करूं तो 90 हर्ज की रिफ्रेश के साथ आती है। बीच में हमें स्मॉल बटन वाला कैमरा हेड पेज के मिल जाता है, बाकी ये एक नॉचलेस डिस्प्ले है। काफी अच्छी डिस्प्ले है एमोलेड डिस्प्ले, और हमें पता है कि सैमसंग की डिस्प्ले काफी एमोलेड जो होती है काफी बेस्ट होती है, बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर थोड़ा सा मुझे जो है लाइक और स्मार्टफोन के कंपैरिजन में थोड़ा मतलब इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन एक्सिनोस 991 प्रोसेसर जो इन्होंने दिया है उसकी जगह ये कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 736 या 745 कोई भी प्रोसेसर ये दे सकते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो है ठीक है सैमसंग का। अब बात करें सैमसंग के कैमरा की, तो कैमरा में सैमसंग ने इस बार करा है कमाल, क्योंकि इस बार सैमसंग ने अपना सेंसर ना लगाते हुए सैमसंग ने लिया है सोनी का सेंसर। यह 264 मेगापिक्सल का फर्स्ट जो रियल में हमें कैमरा मिलता है, सबका बाप है सोनी का IMX का 682 के सेंसर के साथ आता है, यानी कि आपकी पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी काफी नेक्स्ट लेवल होने वाली है इस कैमरे के साथ। अब बात करें इसके दूसरे कैमरे की, तो दूसरा कैमरा में मिलता है 12 मेगापिक्सल का। ये है वाइडलेस कैमरा, यानी कि आप आराम से बड़ी अच्छी खासी अपने पूरे फैमिली फोटो खींच सकते हो, या अपनी ग्रुप सेल्फी या ग्रुप फोटोज भी आप अच्छी खासी से निकाल सकते हो। अब बात करें इसके अंदर दो और कैमरास हैं, एक है डेप्थ सेंसर और एक है माइक्रो, दोनों ही हमें 5 मेगापिक्सल के मिलने वाले हैं, यानी कि कोर कैमरा सेटअप हम देखने को रियर में मिल जाएगा। अब बात करूं इसके फ्रंट में, तो फ्रंट में हमें मिलने वाला 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। ये दोस्तों 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हमें देखने को मिलने वाला है, इसके अंदर आप अपनी सेल्फीज काफी अच्छे कर सकते हैं, चाहे आप फिल्टर यूज करें ना करें या कुछ भी रैंडम जो भी आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो और इस रेंज के हिसाब से काफी ठीक ठाक स्मार्टफोन है। और बात करूं अब इसकी फाइनली बैटरी की, तो बैटरी की बात करें तो 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है, और इसके अंदर आप 200 रिवर्स चार्जिंग भी कर सकते हैं। टाइप सी पोर्ट होना चाहिए, यानी कि आपके पास टाइप सी फोन होना चाहिए जो दोनों में इक्वलिटी है लगा पाए। ये नहीं है कि भैया एक टाइप सी और एक टाइप डी है तो दोनों में हमने अलग अलग कुछ कर दी, नहीं, टाइप सी ही फोन होना चाहिए, वो सपोर्ट करे टाइप सी की केबल को, वरना अब वो बताइए, यानी पावर बैंक के पैसे आपके बच गए। अब बात करूं इसके प्राइस की, तो प्राइस की दोस्तों इसमें दो रैम वेरिएंट आने वाले हैं, एक आएगा 6GB 128GB स्टोरेज के साथ और दूसरा 8GB 128GB की स्टोरेज के साथ। 6GB के वेरिएंट की आपको प्राइस पड़ेगा 19,499 रुपीज, और वहीं बात करूं आपके दूसरे की तो 21,499 रुपीज का हमें स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा मार्केट में। ये आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं 6 अगस्त से अमेजोन पे, और अमेजोन पे सेल भी आने वाली है 6 अगस्त पे, फ्लिपकार्ट पे भी आने वाली है। वैसे तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे स्मार्टफोन अमेजोन और फ्लिपकार्ट के दे दूंगा, चाहे तो आप वहां जाके वो स्मार्टफोन भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको लेने हो। और आपका बजट कम हो तो मैं यानी कि 10,000 से नीचे वाले भी और 20,000 तक काफी से स्मार्टफोन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप बाय कर सकते हो बिना किसी कंफ्यूजन के साथ। बात करते हैं दोस्तों इसके की प्लस पॉइंट्स क्या होने वाले हैं। एक तो दोस्तों पहला ये इंडियन फोन, इंडियन ब्रांड है, मतलब एक तरह से अमेरिकन ब्रांड है, मतलब इंडिया नाम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो स्मार्टफोन आ रहे हैं चाहे शाओमी की और रियलमी और सारे चाइनीज है, तो इंडियन स्मार्टफोन काफी अच्छा, अगर आप इंडियन पे स्विच करना चाहते हैं तो आप सैमसंग ले सकते हैं, और काफी इनकी अच्छी है आफ्टर सेल सर्विस, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट पॉइंट यही है। और सेकंड पॉइंट की बात करूं तो इसका कैमरा काफी अच्छा है, ये नहीं कहूंगा सबसे बेस्ट इन क्लास इसी का ही है, बाकी भी है जो और स्मार्टफोन है वो दे रहे हैं, लेकिन इसका कैमरा काफी अच्छा है। और बात करूं इसके तीसरे, वो है इसकी बिग बैटरी, जैसे उसको सबसे ज्यादा कमाल की चीज है। और नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो पहला मुझे इसका लगा प्राइस जो काफी हाई है,
मतलब इस लेवल के स्मार्टफोन के हिसाब से, अगर ये थोड़ा नीचे होता यानी कि मेरे हिसाब से अगर ये 17,000 तक भी होता स्टार्टिंग इसका 6GB रैम वेरियंट, तो काफी कमाल करने वाला था ये दोस्तों, क्योंकि इसके अभाव में पोको X2 है आ गया हमारा, और मोटोरोला का फ्यूजन आ गया, काफी अच्छे हैं और उनके UI भी अच्छे हैं, और इसमें दोस्तों कोई वन UI भी आ रहा है मैं मानता हूँ, लेकिन हमें स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी नजर ज्यादा डालनी पड़ती है, तो उस हिसाब से तो ये ऑन एवरेज ऐसा ही है। और दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट है इसका प्रोसेसर, ये दोस्तों क्योंकि देखा जाए तो आसपास इसके जितने भी मैंने स्मार्टफोन आप देख सकते हो मार्केट में, चाहे रियलमी डाल रहा हो, पोको के हो, चाहे रियलमी शाओमी का ले रहे हो, या कोई भी ले लो दूसरा कोई स्मार्टफोन जो आ रहे हैं, चाहे वन प्लस का नया स्मार्टफोन आया 25,000, तो उसमें भी वो कॉलकॉम सैमसंग का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, तो सैमसंग चाहे तो यूज कर सकता था और ये स्मार्टफोन एक नेक्स्ट लेवल हो सकता था, बट वो कहते हैं फिनिशिंग लाइन से पहले पहले थोड़ा सा, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो सारे स्मार्टफोन में होती है। अगर आपको सैमसंग का इंडियन ब्रांड ही कोई करना है तो सैमसंग काफी अच्छा स्मार्टफोन है, और आप स्विच कर सकते हैं इंडियन ब्रांड पे, अगर आपको चाइना भी बाइकआउट करना है, अगर आपको चाइनीज स्मार्टफोन पसंद है तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक इंडियन ब्रांड ही चाहिए तो सैमसंग का ये स्मार्टफोन काफी अच्छा है, 6 अक्टूबर से सेल भी आ रही है, तो आप ये वहां से ले सकते हैं बिना किसी डाउट। अगर ये वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं कि इसका कंपैरिजन मैं किसके साथ बनाऊं, या कोई और नई डिवाइस के बारे में आप जानना चाहते हो, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, कोई भी क्वेरी हो तो कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नीचे आपको सोशल मीडिया के हैंडल मिल जाएंगे, वहां जाके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वहां मुझे आप फॉलो करना बिल्कुल भी भूलिएगा। मिलूंगा आपको एक ऐसी ही अकचोदी करती हुई वीडियो में, तब तक के लिए बोलिए बस वाले भाई थक गए।